अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और जर्मन स्टेप बाय स्टेप बेसिक से इंतहाई आसान तरीके से, और लेसन नंबर है 130। हम सीख रहे हैं पीपल, जो दोस्त लेसन पढ़ने हैं उन्हें चाहिए कि लेसन नंबर 1 से फॉलो करते हुए आए। तो चलते हैं, देखते हैं आज क्या लेसन है। माइन फादर इज डॉयचर। माइन फादर इज डॉयचर, इसके माने होते हैं मेरे वालिद जर्मन हैं। मेरे वालिद जर्मन हैं, इसी जुमले को किस तरह लिखेंगे हम इंग्लिश में? माई फादर इज जर्मन, मेरे वालिद जर्मन है। माइन फादर इज डॉयचर। आगे बढ़ते हैं। वो आर्बाइटेट डाइने टॉक्टर। वो आर्बाइटेट डाइने टॉक्टर, इसके माने होते हैं आपकी बेटी कहाँ काम करती है। आपकी बेटी कहाँ काम करती है, इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? Where does your daughter work? आपकी बेटी कहाँ काम करती है? वो आर्बाइटेट डाइने डॉक्टर। आगे बढ़ते हैं। Sandra ist Amerikanerin und sie spricht Türkisch. Sandra ist Amerikanerin und sie spricht Türkisch. इसके माने होते हैं सेंड्रा अमेरिकन है और वो टर्किश बोलती है। सेंड्रा अमेरिकन है और वो टर्किश बोलती है, इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? सेंड्रा इज अमेरिकन एंड शी स्पीक्स टर्किश। सेंड्रा अमेरिकन है और वो टर्किश बोलती है। आगे बढ़ते हैं। कार्लोस इज अमेरिकाना। कार्लोस इज ईस्ट अमेरिकाना, इसके माने होते हैं कार्लोस अमेरिकन है। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा जुमला? कार्लोस इज अमेरिकन। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से अमेरिकन, अमेरिकन को आप किस तरह से बोलेंगे जर्मन में? अमेरिकाना, अमेरिकाना। आगे बढ़ते हैं। आर्बाइटेस्ट डू गर्न इन डॉयचलैंड। आर्बाइटेस्ट डू गर्न इन डॉयचलैंड, इसके माने होते हैं क्या आपको जर्मनी में काम करना पसंद है? क्या आपको जर्मनी में काम करना पसंद है, इसी जुमले को हम किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में? डू यू लाइक वर्किंग इन जर्मनी, क्या आपको जर्मनी में काम करना पसंद है? आर्बाइटेस्ट डू गर्न इन डॉयचलैंड। आगे बढ़ते हैं। Meine Oma ist Deutsche und mein Opa ist Amerikaner. Meine Oma ist Deutsche und meine Opa ist Amerikaner. इसके माने होते हैं मेरी दादी जर्मन है और मेरे दादा अमेरिकन है। इसी जुमले को किस तरह बोला जाएगा इंग्लिश में? My grandma is German and my grandpa is American. आगे बढ़ते हैं। Meine Tochter studiert in Zürich. इसके माने होते हैं, पहले पढ़ते हैं इसको, meine Tochter studiert in Zürich. इसके माने होते हैं मेरी बेटी ज्यूरिच में पढ़ रही है। मेरी बेटी ज्यूरिच में पढ़ रही है, ज्यूरिच शहर है। मेरी बेटी ज्यूरिच में पढ़ रही है, इसे जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? माई डॉटर इज स्टडिंग इन ज्यूरिच, मेरी बेटी ज्यूरिच में पढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं 18 के माने होते हैं 18, तो जर्मन में क्या होता है? 18। जर्मन को क्या बोलते हैं जर्मन में? डॉयचे। हाउ माने होता है कैसा, तो जर्मन में क्या होगा? वी। ज्यूरिच शहर होता है, तो जर्मन में क्या होता है? ज्यूरिच। मंथ्स के माने होते हैं महीने, तो जर्मन में क्या बोलेंगे? मोनाटे। आगे बढ़ते हैं। माइने मुटर इस्ट अमेरिकानरिन। माइने मुटर इस्ट अमेरिकानरिन, इसके माने होते हैं मेरी माँ अमेरिकन है। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा जुमला? माई मदर इज अमेरिकन, मेरी माँ अमेरिकन है। आगे बढ़ते हैं। Meine Tante arbeitet in Zürich.
Meine Tante arbeitet in Zürich. इसके माने होते हैं मेरी खाला ज्यूरिश में काम करती हैं, मेरी खाला ज्यूरिश में काम करती हैं। ऐसी जुमले को किस तरह से बोलेंगे हम इंग्लिश में? माई आंट वर्क्स इन ज्यूरिश। Arbeitest du im Sommer in Zürich? Arbeitest du im Sommer in Zürich? Zürich. इसके माने होते हैं क्या गर्मियों में आप ज्यूरिश में काम करते हो, कर रहे हो? क्या गर्मियों में आप ज्यूरिश में काम कर रहे हो? ऐसे जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? आर यू वर्किंग इन द समर इन ज्यूरिश? आगे बढ़ते हैं। Anna ist Deutsche. Anna ist Deutsche. इसके माने होते हैं एक्सक्यूज मी, दोबारा करते हैं, शोर हो रहा था। Anna ist Deutsche. Anna ist Deutsche. इसके माने होते हैं Anna जर्मन है। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? Anna ist German. Anna जर्मन है। आगे बढ़ते हैं। Mia ist Amerikanerin. Mia ist Amerikanerin. इसके माने होते हैं Mia अमेरिकन है। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? Mia is American. Mia American है। आगे बढ़ते हैं। Du bist Deutsche, aber du arbeitest in Kanada. Du bist Deutsche, aber du arbeitest in Kanada. इसके माने होते हैं आप जर्मन हैं लेकिन आप कनाडा में काम करती हैं। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा इसी जुमले को? यू आर जर्मन बट यू आर जर्मन बट यू वर्क इन कैनेडा। आप जर्मन हैं लेकिन आप कैनेडा में काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं। माई ब्रदर इज जर्मन एंड ही वर्क्स इन बॉन। इसके माने होते हैं मेरा भाई जर्मन है और वो बॉन में काम करता है। जर्मन में किस तरह बोला जाएगा इस जुमले को? माइन ब्रदर इज डॉटशा ओंड एयर आगबाइटेट आगबाइटेट इन बॉन। मेरा भाई जर्मन है और वो बॉन में काम करता है। आगे बढ़ते हैं। मार्लिन इज जर्मन। इसके माने होते हैं मार्लिन जर्मन है। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा इस जुमले को? सॉरी मार्टिन लिखा है वो। मार्टिन इज जर्मन। मार्टिन जर्मन है। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम जर्मन में? मार्टिन इस्ट डॉयचर। मार्टिन इस्ट डॉयचर। मार्टिन जर्मन है। तो ये तो था आज का लेसन। अगले लेसन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।